यूपी के बदायूं में किशोर की सर्पदंश से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर के गांव रसूलपुर निवासी वेदराम मौर्य का 12 वर्षीय पुत्र पंकज मौर्य अपने खेत से यूकेलिप्टस का पत्तों की गड्डी अपने सिर पर रखकर ला रहा था। परिजनों के अनुसार बताया गया कि पत्तों की गड्डी में 3 सर्प छिपे हुए थे। घर पर जैसे गड्डी सर से उतारी तो 2 सर्प निकलकर भाग गए और एक ने किशोर को डस लिया। आनन फानन में परिजन किशोर को मूर्छित अवस्था में उपचार के लिए जिला बदायूं के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन जिला बदायूं के नगर पंचायत कछला के निकट हरपालपुर गांव के सपेरों के पास ले गए। वहां भी किशोर को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन शव लेकर अपने घर वापस आ गए। परिवार में मौत की खबर सुनकर कोहराम मच गया। किशोर की कई वर्ष पहले एक बड़ी बहन की भी मौत हो चुकी है। किशोर 2 भाइयों में छोटा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखें विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है? क्या मामला हुआ है? सांप ने काट लिया। हाँ, हमने काट लिया उन्हें ऐसे सांप को। कितने बजे? 5 बजे करीब काटो। 5 बजे के बाद आप कहीं ले गए? हाँ ले गए। मैंने सीखी रात दवाई दवाई सीखी रात घुमाओ मैंने। आपका क्या नाम है? वेदराम। बच्चे का नाम पंकज। उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ आपको? ना कुछ ना।